मुझको कभी आजमा लो जी। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं तेरा दोस्त होस्ट एसकेएम बैकपैकर। और गाइस, आज मैं इस वीडियोस के थ्रू दिखाने जा रहा हूं आप लोग को नेपाल काठमांडू की सबसे बड़ी टूरिस्ट पॉइंट, जिसे हम भक्तपुर दरबार स्क्वायर कहते हैं, जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर नेपाल काठमांडू में आते हैं। इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा एक संरक्षित स्थान प्राप्त है। तो गाइज, इसी के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। और मेरे साथ है मेरे भैया और मेरी भाभी। हमारे भाभी भैया भी हमारे गाइड मेंबर हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। हाँ भाभी, आप मेरे गाइड है ना? हाँ, मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपको सब जगह घुमाती हूँ और मुझे बताती भी है। पांच तरह दरबार स्क्वायर, क्योंकि ये फाइव स्टेप है, इसलिए यहाँ ऊपर से चढ़ने के बाद पूरा व्यू अच्छी तरह से दिखता है। Yeah, and I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Just pull me apart, take me away. Tell me it's all gonna be okay. I wanna feel like I'm still और ये बारिश होने लगी और भाभी मेरे ऊपर जा रही हैं और मैं भी ऊपर भाग रहा हूँ। सभी लोग ऊपर अपने अपने जगह पे सेट हो रहे हैं बारिश से बचने के लिए। तो बारिश बीच में दखल डालते हुआ, जब भी कहीं घूमने जाता हो ना, बारिश हो जाती है। आज 20 दिन हुए आए हुए, 20 दिन में सब कोई दिन नहीं था जब से काठमांडू में बारिश नहीं हुआ। हर रोज़ बारिश हुआ, कब हो जाएगा कुछ भी पता नहीं। मौसम धूपा भी निकलेगा, अच्छा साफ भी होगा, अगर बादल भी छाएगी, बारिश का कोई पता नहीं कब हो जाए। और आप ये देख सकते हैं, लोग छाते लेके साइड में किनारे ले लिए हैं। तो गाइस, बारिश छूट चुकी है। इधर गेस्ट हाउस सब भी है ना, जहाँ पे आके आराम कर सकते हो, है ना, रह सकते हो, नाइट अपना व्यतीत कर सकते हो। नाइट का यहाँ का नज़ारा, व्यूज होते हैं, बहुत तगड़ी होती है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर टूरिस्ट पैलेस पे एक लवेड़िया पॉइंट होता है, लव की पॉइंट, जहाँ पे भाई लोग अपने अपने माल के साथ सेट होते हैं। फॉरनर लोग देख लो, पूरा अपना रेनकोट लगा चुके हैं। हम लोग रेनकोट नहीं लाए, छाता ज़रूर लाए, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ भी पता नहीं होता कब बारिश हो जाएगी। 20 दिन से आए, 20 दिन से बारिश हो रही है लगातार। दोस्तों, भक्तपुर दरबार स्क्वायर पूरी की पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट काठ से बनाई गई है, लकड़ियों से बनाई गई है, उस पर बारीकी से कारीगरी करी गई है, जो कि वाकई देखने लायक एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय, एक आश्चर्यजनक चीज़ है। जो आप जाओगे वहाँ पे तो देखोगे, है ना, बहुत ही अजब कलाकारी करी गई है। हर चीज़ वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो काठ लकड़ियों पे बनाई गई है। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक भूकंप आई थी 2014 ईस्वी में, जिसमें यहाँ की ये मकान जो थी वो धराशायी हो चुकी है, जिसकी मरम्मत अभी चल रही है। और बहुत सारे फॉरनर, बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं और देखते हैं इन जगह को और मन मोहक होकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि इतनी मस्त यहाँ पे कलाकारी करी गई है। इतनी मस्त एक बस्ती है, पूरा एक मोहल्ला है ये, जो आपको देखने के बाद मन में मतलब ये ही आएगा कि वाह, क्या मतलब कलाकारी करी गई है। ना जाने कितने दिनों में इस चीज़ को बनाने वाले बनाए होंगे। और हर जगह मकान में दरारें आ चुकी है, बहुत सारे जो बिल्डिंग थी, जो बहुत सारे वहाँ पे ये हिंदू धर्म के राजा, नेपाल एक हिंदू देश है, जिसके वजह से यहाँ के हिंदुत्व तो राजे ही ज़्यादातर रहे हैं, तो इसीलिए से बहुत ज़्यादा मंदिरें हैं और बहुत सारा प्रतिमाएं हैं जो हज़ारों 500 साल पुरानी हैं, जिसको संरक्षित करके वहाँ रखा गया है। एक म्यूज़ियम है, जहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारे राजा जो नेपाल के थे, सारा उसका फ़ोटोज़ और उसकी सारे जानकारी के साथ रखा गया है। बहुत सारे मूर्तियाँ हैं, कलाकारी है, पेंटिंग है, आर्ट्स है, गैलरी है, सबको एकदम मस्त सजा के रखा गया है, जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। और इसे अध्ययन करने के लिए देश विदेश से लोग, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो स्टडी करने यहाँ पे आते हैं कि आखिर इसकी कलाकारी का क्या राज है। तो इसीलिए इसको विश्व यूनेस्को की धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया, इस जगह को, जो कि वाकई बहुत शानदार है।
और ये अभी आप जो देख रहे हैं ये एक कुंड है पानी का, जहाँ पे इसको पवित्र जल माना जाता था और ये किंग लोग जो होते थे, उनकी रानियाँ जो होती थी, यहाँ पे स्नान करते थे। और ये यहाँ पे बहुत अच्छे नाग देवता का चित्र बनाया गया है, कलाकारी करी गई है, हर एक चीज़ देखने लायक है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। जुड़ रहे हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हेलो हेलो, वेयर फ्रॉम? वेयर फ्रॉम? चाइना। व्हाट्स योर नेम? नाइस नेम, आई एम फ्रॉम इंडिया। Got your name, don't remember where we met. We met, but what I do recall is the shit you put me through, but not you. ये आप हर जगह टूरिस्ट के एक टोलिया बन के आती है और देख सकते हैं, हर जगह मिलेगा आपको। और ये अब मैं आ गया हूँ म्यूजियम में, तो म्यूजियम में बहुत ज्यादा कलाकारी और मूर्तियों पे जो संरक्षित करके रखा गया है वो सब देखेंगे आप। तो वीडियो देखो, वीडियो बहुत लास्ट तक बहुत इंटरेस्टिंग है और नया है, हर चीज़ नया है यहाँ पे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Squared का कुछ views मैंने आप लोगों को दिखाया जितना हो सका. बहुत सारी चीज़ नहीं भी दिखा पाए क्योंकि बारिश हो चुकी थी, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा. बट हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. फिर भी मिलूंगा नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. अपना ख्याल रखिएगा.